नमस्कार सदगुरु मैं देख रही हूँ कि मुकाबले का विचार हमारे मन में इतना रचा बसा है कि ये गैर जरूरी तनाव पैदा करता है सिर्फ स्कूल स्तर पर ही नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर या हमारे जीवन के किसी भी पहलू में तो वाकई इस बारे में क्या कर सकते हैं कॉम्पिटिशन इज ए गुड थिंग मुकाबला एक अच्छी चीज़ है अगर आप काबिल नहीं हैं और मुकाबले में हैं तो आप तनाव महसूस करेंगे तो अगर आप मुकाबलों में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी काबिलियत पर काम करना होगा अभी समस्या यह है कि आप अपनी इच्छा बढ़ा रहे हैं न कि अपनी काबिलियत यही होना जरूरी है हमें बच्चों को उनकी क्षमता को बढ़ाना सिखाना होगा न कि इच्छा को हम इसे महत्वाकांक्षा और लक्ष्य पर केंद्रित होना कहते हैं महत्वाकांक्षा मतलब क्या आपने इच्छाएं बढ़ा ली आप जरूर परेशान होंगे अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आप जहां भी जाते हैं आप उससे बेहतर काम कर रहे हैं जिसकी आपसे उम्मीद है तो स्वाभाविक है चीजें आपके लिए अच्छी होंगी मुकाबला बुरी चीज नहीं है काबिलियत की कमी बुरी चीज है हमें यह समझना चाहिए इस देश में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अब भी सोचते हैं कि हमारी शिक्षा स्वर्ग में पकाई जाती है क्योंकि मैं लोग मुझे बताते हैं कि परीक्षा से ठीक पहले मंदिरों में भीड़ होती है वो होने के लिए गलत जगह है वो बस गलत जगह है जब आपकी परीक्षा आ रही है तब आप मंदिर में हैं आप गलत जगह हैं छुट्टी में आप मंदिर में बैठे हैं अच्छा है <laughs> इसलिए काबिलियत के बजाय हमारी इच्छाएं बड़ी हैं अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाने में ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हर दिन सीमाएं तोड़ने और कुछ बेहतर बनने में कितना आनंद है आपको कोई चिंता नहीं कि कोई और कैसा कर रहा है हा? अगर रोज आप सीमाएं तोड़ रहे हैं एक बार मैं बच्चों को शायद होम स्कूल में कह रहा था एक कक्षा बच्चों से भरी कक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे अंडे से बच्चे निकल रहे हों। एक समय मैं रेशम की खेती करता था सिल्क I was amazed. और मैं हैरान होता था इस हद तक कि उन्हें कभी कभी बाजार नहीं ले जाता था क्योंकि ये अगर आप कोकून को काफी समय छोड़ देते हैं इन्हें बाजार नहीं ले जाते तो आपको इन्हें खुलते हुए देखना चाहिए इस तरह शोर मचता है धीरे धीरे वो इसे खोलते हैं जब लाखों कोकून खुलने की कोशिश कर रहे हो आप इस कमरे के अंदर आइए ऐसी आवाजें स्कूल से आनी चाहिए कि हर पल वो अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हो अगर आप लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो तो किसी और को देखने का समय ही नहीं होता कि वो कैसा कर रहा है क्योंकि इतनी बड़ी चीज आपके भीतर हो रही है तो कृपया अपनी क्षमता पर ध्यान दें मुकाबला आप परेशान ना हो अगर आप अच्छे हैं तो आप शिखर पर होंगे वरना कहीं तो होंगे यह ठीक है